बनाया था भाई, मजा ही आ गया। मैं तो चार पूरी तरह से खा के आया हूँ। तू चार पूरी तरह से खा कर आया? मैं तो आठ रसगुल्ले ज्यादा खा कर आया हूँ। आठ रसगुल्ले? वो तो दिख ही रहे हैं, चार यहाँ और चार यहाँ। अरे हाँ हाँ, तो इसमें हंसने की क्या बात है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, फिर तो तुम दादी के हाथ की बनाई बर्फी नहीं खाओगे? नहीं नहीं, बर्फी तो मैं खाऊंगा। वैसे एक राज की बात सुनोगे? हाँ, बताओ बताओ। पहले सब इधर आओ। सुना है कि गांव में एक बाघ घुस आया है। हाँ हाँ, डिम्पी चाची कह रही थी कि वो बच्चों का शिकार करता है। तो मैं किसी बाघ से नहीं डरता। ये पत्थर देख रहे हो ना, इसी से मारूंगा उसे। अरे आप भी डरा दिया ना बच्चों को, हाथ में छड़ी आ गई है तब भी बचपना नहीं गया आपका। जानी, कौन कहता है कि छड़ी के होने से हम बूढ़े हो गए? दिल तो अभी भी बच्चा ही है। अरे लगता है सब बच्चे भाग गए, अब भला ये बर्फी कौन खाएगा? मैं खाऊंगा बर्फी। ये कौन बोला? हाँ हाँ, सबको मिलेगी, पहले सब अच्छे से बैठो। तुम्हारी इस उम्र में तो हम खुद ही शेर हुआ करते थे। क्या? और तुम लोग एक छोटे से शेर से डर गए? छोटा सा शेर? हाँ, तुम्हारी इस उम्र में तो हम आजादी के नारे लगाया करते थे। हमारी उम्र पर हम तो बच्चे हैं। बच्चे? अच्छा तो ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि स्वतंत्रता संग्राम क्या था? अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ दो दादी की जंग जो 1947 में पहले हुई थी, उसका दो संघर्ष, उसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। नहीं दादू, ये नहीं है। अच्छा तो तुम बता दो होशियार। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की वो जंग जो 1947 में पहले हुई थी, उसका तो संघर्ष, उसे स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। तुम दोनों ही बड़े समझदार हो। शाबाश। तो अब ये पूछो कि सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी की उम्र क्या रही होगी? 17 साल। नहीं, 15 साल। 15 साल? नहीं नहीं। तो फिर क्या दादाजी? 12 साल। क्या? 12 साल? हाँ, 12 साल के बाजीराव। हाँ, 12 साल। और तो और, वे 9-10 साल की उम्र से ही आजादी की जंग में शामिल थे। क्या, हमारी उम्र में? हाँ हाँ। और तो और, तुम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, इंदिरा गांधी और खुदीराम बोस का नाम तो सुना ही होगा। हाँ दादाजी। तो ये सब भी जब तुम्हारी ही उम्र के थे, तब से आजादी की जंग में भागीदार थे। सच में? सोचकर ही रोंगटे खड़े हो गए, क्या हिम्मत नहीं होगी। बिल्कुल। अच्छा तो अब ये बताओ सब, कि क्या ऐसे ही बालवीरों की कथा सुनाए जिन्होंने अपनी उम्र को महज एक पड़ाव बताया? ऐसे वीर जिनकी उम्र भले ही छोटी हो लेकिन इरादे बहुत बड़े थे। बिल्कुल सुनाएंगे। सिर्फ सुनाना ही नहीं, दिखाना भी पड़ेगा। क्या दादाजी? नाटक। ये तो फिर शुरू हो जाओ। कहानी शुरू होती है स्वतंत्रता के दूसरे
थे बड़ी लड़ाई से। पर दादाजी हम तो एक ही बार लड़े थे। अरे नहीं बुद्धू, हमने कई बार छोटी और बड़ी मुहिम जारी कर अंग्रेजों के खिलाफ की है ना दादाजी? बिल्कुल बेटा, देखा। तो ये कहानी है उस वीर बलिदानी की जिसने महज 12 साल की उम्र में अपने बलिदान से हमारी माँ भारती को गर्वित किया। अरे नगरमणि पौछेरे घाटी सानी टिया करी थिलु बासी टिया सीके अरे टिया करी थिलु बासी के गांव में रामी नदी से सटे हुआ नीलकंठ में रहने वाले हरि राव और रैना देवी के घर एक लड़के वीर ने जन्म लिया जिसने अपने छोटे जीवन काल में वो सब सिखाया तो लोग एक और लगाकर भी ना सीख पाए। बाजी बचपन से ही एक शूरवीर था। आजादी की दूसरी जंग से अंग्रेजी हुकूमत बौखलाई हुई थी, यही क्योंकि पूरा देश अब एकजुट होकर लड़ रहा था। स्वतंत्रता संग्राम में बच्चे बूढ़े और जवान सब शामिल थे। हाँ मैंने सुना है लोग तो छोटे छोटे संगठन बना बना के लड़ रहे थे। बिल्कुल, आखिर बूंद बूंद से बनता है सागर। ऐसे ही एक संगठन प्रजामंडल ओडिशा में सक्रिय था और बाजी भी उसी मंडल की बानर सेना दल का मुख्य भाग था। आज हमारी माँ को हमारे सम्मान और बलिदान की आवश्यकता है। इस अंग्रेजी परचम को मेरी माँ भारती के सीने से उखाड़ फेंकना है, चाहे जान भी देनी पड़े। वानर सेना हमारा एक ही उद्देश्य है, अपने मंडल की सुरक्षा और माँ भारती की स्वतंत्रता। हाँ, और आपकी अपनी माँ को क्या होगा? पाजी, कुछ तो पर घर पे बेटा, जहाँ बच्चे इस उम्र में हंगरी संभालते हैं, वहाँ तुमने मोचा संभाला हुआ है। पर मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी डर लगता है। एक तो तुम्हारे बाबा की अकाल मृत्यु ने हम सबके जीवन को अंधकार में धकेल दिया है। तुम बच्चे ही मेरी इकलौती पूंछ हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं सह पाऊंगी। माँ मेरी प्यारी, तुम क्यों दुखी हो? मैं आज जो भी कर रहा हूँ वो आपके और हम सबके स्वतंत्र भविष्य के लिए ही तो कर रहा हूँ। क्या आप नहीं चाहती कि हमारा देश इन निर्दयी अंग्रेजों से आजाद हो? सोचो माँ कि कितनी दयनीय अवस्था है कि आज आप मेरे खाने में नमक नहीं डालती। नमक जैसी मूल्य वस्तु भी आज हमारे देश के एक आम नागरिक को उपलब्ध नहीं। क्यों? क्योंकि आज भी हम अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम हैं। देखना माँ, एक दिन मेरा देश आजाद होगा और हम सब इसमें पूर्ण स्वाभिमान से अपनी स्वतंत्रता का उत्सव मनाएंगे। बेटा बिल्कुल मेरे बाजिया, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। मैं तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों के लिए प्रार्थना करूंगी। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। आज हम मिलकर घाट पे पहरा देने वाले हैं। फागू ने बताया कि ब्रह्मी के उस पार उसने कुछ गौरों को देखा था। जब से हमारे प्रजामंडल का जोर हमारे राजा के क्रूर शासन को तोड़ रहा है, तब से उसने उन गौरों के साथ मिलकर हमारे प्रदेश को ही बेच दिया है। बस अपना ध्यान रखना। मैंने काम पर सुना था कि कुछ 200 सिपाही नियुक्त किए गए हैं प्रजामंडल की पतन के लिए शक्ति प्रताप सिंह की होने, इसलिए संभाल कर बाजी हमें और इस देश को तुम्हारी जरूरत है। 10 अक्टूबर 1938 हमारे इतिहास की सबसे काली लंबी रातों में से एक थी, जिसकी सुबह तो स्वयं सूर्य देव के लिए भी भयावह रही होगी। भाजी अपने मित्रों नाटा फागू और लक्ष्मण के साथ मिलकर ब्राह्मी के घाट पर पहरा दे रहा था। सुना है मजिस्ट्रेट, विनय घोष की अगुवाई में भुवन गांव में 2 लोगों की मौत हो गई है। वो हथियारी सेना हमारे ढेंकनाल की ओर बढ़ रही है। राजा जो प्रजा का शोषण करे, हमारी माता और बहनों के साथ गलत हरकत करे, अपनी प्रजा को करके बाहर सबको चल दे, क्या सब कम था? अखिल भी विदेशी के लूटने और मारने लगे हैं। कैसी विडंबना है। अच्छा फागू जाओ, जाकर चौक के पास पहरा दो। लक्ष्मण तुम गांव में मोर्चा संभालो,
वहाँ तुम्हें कुछ और बड़े लोगों की सहायता मिलेगी। बाजी तुम घाट तो संभाल लोगे। अरे नाटा भैया, हमारे पिताजी नाविक थे, तो आप ही बताइए इस नदी को हमसे बेहतर और कौन जानेगा। अच्छा ठीक है, सब अपना मोर्चा संभालो। बाजी याद है गांव और मंडली तक पहुंचने का बस एक ही मार्ग है, बम्बी तट पार करना। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम संभाल लोगे। आप निश्चिंत रहिए दादा। क्या संकल्प था और क्या बल, किशोर नदी वह स्वयं बजरंग था। बाजी रात को अपनी प्यारी भ्रमी से अपना मन साझा कर रहा होता है कि तभी उसे कुछ बूट की आवाज सुनाई देती है। पूर्णिमा के प्रकाश में कुछ लोग आते दिखाई देते हैं। ये ग्रामीण साथी नहीं बल्कि राजा का हुक्म बजाने वाली पुलिस थी, जो अब अंग्रेजी फौज के साथ ढेंगा लाकर प्रजा मदद को रोकने के लिए आगे बढ़ रही थी। आज की तरह की पुलिस नहीं, ये वो अत्याचारी थे जो अपने ही भाई बंधु पर प्रहार करते थे और सिर्फ अपने शासक का हुक्म बजाते थे, और तो और लोगों को मारा पीटा और भूखा भी करते थे। अरे ये मेरी काम की और ही बन रहे हैं, मैं इन्हें ये नदी पार नहीं करने दे सकता। बाजी और मित्रों ने उस
भव्य युग में युद्ध में अपनी आहुति दी थी। शौर्य शौर्य रक्षा रक्षा युद्ध युद्ध बलिदान 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 बल से बड़े होते हैं माँ भारती के वीर सपूतों। और हम तैयार हैं सीना लिए अपना इधर, खून से खेलेंगे होली कर वतन मुश्किल में है। और क्या सब लड़के ही दादी के जंग लड़े थे? लड़कियों ने कुछ भी नहीं करा था? अरे नहीं नहीं बेटा, हमारे नन्हे बलिदानियों में नन्ही छोरियां लड़ाई भी कई थी। बिल्कुल, मारी छोरियां छोरा से कम है के। ऐसी ही कुछ वीरांगनाएं थी रानी गाजनी उपामी, उषा मेहता, सुनीति चौधरी और कालीबाई। कालीबाई कालीबाई कौन है? ये वो 20वीं सदी की एक लव्य है जिसने गुरु दक्षिणा में अपने प्राणों की आहुति दी थी। तो अब अगली बारी हमारी कालीबाई की ना? बिल्कुल, तो फिर शुरू करें। हाँ दादाजी। चलो करो स्टार्ट करो। जून 1947 डूंगरपुर जिले के गांव रास्तापाल। 1947 आजादी का जुनून अपने चरम पे था, जहां एक तरफ कांग्रेस और हमारे पूरे जोश से हमारे देश को अंग्रेजों से बचाने उसे सशक्त बनाने में जुटे थे, वहीं अंग्रेजी हुकूमत पूरे जोश से हिम्मत और मेहनत तोड़ने में लगी थी। अब आजादी के मतवाले कांग्रेस और प्रजा मंडल मिलकर जगह जगह छोटी छोटी पाठशालाएं खोलने लगे। प्रजा मंडल कार्यकर्ता इन पाठशालाओं के द्वारा आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही थी। शिक्षक सेगा भाई कभी अंग्रेजों के अत्याचार की कहानी सुनाते तो कभी उनके पड़ोस मेहनतों की कहानी। कालीबाई एक वीर भील बालिका इन कहानियों को ध्यान से सुनती और समझती। तो सबको समझ में आया? जी गुरु जी। राष्ट्रभक्ति के गौरव और अपनी माँ की स्वतंत्रता के लिए हम सबको परिश्रम करना चाहिए। अरे ज्ञान और विज्ञान आज हमारा छीनकर बड़े सभ्य बनते हैं और इस सोने की चिड़िया का शोषण कर हम सबको पिछड़ा बताते हैं। अरे ये भूल जाते हैं, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए। हम उस माटी के बने हैं जिसकी रक्षा में सर कटे हैं और रक्त बहा है। हम वो हैं जो सुख और संघर्ष में साथ होते हैं, फिर चाहे वो भील हो या राजा राजपूत। क्यों सही कहा ना काली भाई? गुरु जी सत्य कहा, हम अपने मान और गौरव के लिए हर बलिदान देंगे। मगर एक बात पूछूं? बिल्कुल बेटा। अगर राजा राजपूत भूमिपाल है तो उन्होंने इस घड़ी उन कपटी अंग्रेजों से हाथ क्यों मिला लिया? क्योंकि वे आज सिर्फ नाम के राजा बनकर रह गए हैं, इसलिए काली भाई। बिल्कुल, तो बच्चों ये याद रहे, ये लड़ाई हमारे स्वतंत्रता
और स्वाभिमान की है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो अब सब बच्चे घर जा सकते हैं। क्या हुआ, इतने विचलित क्यों हो? बस क्या कहा जाए भाई साहब, यह हमारे जमींदार हुकुम ने बैठक में फिर से शालों को बंद करने की बात छेड़ दी। वे कुछ अधिक ही निर्लज है। राणा जी के दूर के रिश्तेदारों में संबंध है, उसे इसी बात की जोश है। ऊपर से यहाँ पढ़ रहे भील बच्चे उसे बिल्कुल नहीं सुहाते। कहीं उसने हमारी पाठशाला सच में बंद कर दी तो? आज बैठक में तो मैंने कह दिया, जब तक मेरी जान रहेगी अपने गांव रास्ता बाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, ये मेरा प्रण है। और हाँ, मुझे गर्व है अपने गाँव वालों पर जो बैठक के समय वहाँ से चले गए। हमारे प्रशिक्षण का असर दिख रहा है सही ना? जो बैठक में हुआ उससे जागीरदार झल्ला उठा, उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामन को कह डाली। अगले ही दिन रियासत के पुलिस अधिकारी और जिला न्यायाधीश दलबल सहित रास्तापाल पहुंचे। वह दिन था 19 जून 1947 का। रास्तापाल की पाठशाला के बाहर एक ट्रक आकर रुका। कालीबाई उस समय खेत में गई हुई थी। सेंगा भाई और लाला भाई दोनों पाठशाला में उपस्थित थे। तभी जिला न्यायाधीश ने सेंगा भाई से आकर कहा, पाठशाला को बंद करो और चाबी हमको दे दो। कल से शाला नहीं खुलेगी। परंतु हुकुम, हमें शाला के मालिक नहीं है, यही हम शाला को बंद करने का निर्णय नहीं ले सकते। अब तुम सिखाओगे हमें, तुम्हें क्यों लगता है कि हम नहीं जानते शाला का मालिक कौन है? परंतु हुकुम, इस शाला का बंद करने का कोई तो कारण होगा। कारण कारण हो तुम और तुम। अगर तुम जैसे लोग इन छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसी बुरी बातें भरोगे तो हमें समझदारी दिखाते हुए तुम्हें रोकना होगा। आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये शाला तो इस समाज के उत्थान का प्रतीक है। तुम अपने समाज का उत्थान ऐसे करोगे, ये जंगली फसल को गांव के बच्चों में रख कर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य ने एक लंबे को शिक्षा नहीं दी थी, तो तुम क्यों इन भीलों को यहाँ पढ़ाते हो? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम हमारे पीठ पीछे फौज बनाओगे और हमें पता भी चलेगा? ये प्रजा मंडल की बनाई पाठशाला है, यहाँ सब बराबर है। और भूले नहीं न्यायाधीश महोदय, जब लड़े राजा राजपूत अपनी माँ की जान को तो भील बने सिपाही खड़े थे देने अपने प्राण को। अब पाठशाला बंद नहीं होगी। अभी पाठशाला बंद नहीं कर सकते, हम भी थोड़ा बहुत कानून जानते हैं। आप जो कर रहे हैं इसे तानाशाही कहते हैं। कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुम ऐसे नहीं समझोगे। सिपाहियों भागो इस मास्टर को जीप के पीछे। खबरदार जो ने हाथ भी लगा दो। बन के लिए क्या है नाना भाई? आप ठीक तो ना नाना भाई? उठो नाना भाई। ए चल हट नाना भाई, उठो उठो नाना भाई। वे कुछ और कह पाए उससे पहले ही एक सिपाही ने जोर से उनका सर पर वार कर दिया। नाना भाई और सेंगा भाई दोनों बेहोश हो गए। सेंगा भाई बोले, वक्त आने पर बता देंगे तुम्हें आजमा, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वो नाना भाई और काली भाई को
पास आता देखते हैं वो फिर गाड़ी भरवाने की कोशिश व्यर्थ नहीं गई। जैसे ही ये घटना घटी, रेवा और उनके दोस्तों ने जंगल में आग की तरह इस बात को फैला दिया और देखते ही देखते मैजिस्ट्रेट और उसके सिपाही उग्र भीड़ से घिरते गए। जरा ट्रक को घुमाओ, बचाओ, मेरे पीछे घुमाओ, पीछे 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 ले, अरे मोड़ 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 मोड़। इससे पहले कि कुछ कर पाते, मैजिस्ट्रेट और उनके सिपाही वहां से दूर दबाकर भाग गए। उस भीड़ ने भी काले के प्राणों को उस तुच्छ मैजिस्ट्रेट से ज्यादा महत्वपूर्ण समझा। उन्होंने काली और नाना भाई के नाम के काबिलियत